क्या आपको पता है कि महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? आइए आज हम आपको महाशिवरात्रि के पीछे के तथ्य को बताने जा रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी तिथि में चंद्रमा सूर्य के नजदीक होता है। उसी समय जीवन रूपी चंद्रमा और शिव रूपी सूर्य के साथ योग मिलन होता है, इसलिए इस चतुर्दशी को शिव पूजा करने का विधान है। प्रलय की बेला में इसी दिन प्रदोष के समय भगवान शिव तांडव करते हुए ब्रह्मांड को तीसरे नेत्र की ज्वाला से भस्म कर देते हैं, इसलिए इसे महाशिवरात्रि या जल रात्रि कहा जाता है। इस दिन भगवान शिव की शादी भी हुई थी, इसलिए रात में भगवान शिव की बारात निकाली जाती है। रात में पूजा कर फलाहार किया जाता है। अगले दिन सवेरे जौ, तिल, खीर, बेलपत्र का हवन करके व्रत को समाप्त किया जाता है। महाशिवरात्रि का त्योहार इस साल 21 फरवरी को मनाया जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन माँ पार्वती और भगवान शिव का विवाह हुआ था। इस दिन लड़कियाँ अच्छा वर पाने के लिए व्रत करती है। महिलाएं अपने वैवाहिक जीवन को खुशहाल रखने के लिए भी ये व्रत करती हैं। कहते हैं कि भगवान शिव ने पार्वती के त्याग और तपस्या से खुश होकर उनसे विवाह किया था, जिसके बाद शिव जी ने वैरागी जीवन त्याग कर गृहस्थ जीवन में फिर से प्रवेश किया था। इसलिए प्रेमी जोड़े व अविवाहित युवतियाँ इस व्रत को मन भावन जीवन साथी पाने के लिए करती हैं। धर्म कर्म सहित देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।